ओए होए होए भाई, मैं आप लोगों को बताऊं, सीन होने वाला है। क्या वो जो लोग बैठे हुए इन मौकिफात का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेट रख दूं। मेरा बहुत दिल करता है। ख्वाजा साहब के वाले से किसी की मजाल हो सकती है? वो बैठ के बकवास करे वहां, तो वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहताज हो जाए। आपको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आपके वाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के वाले से आप मौकिफ देंगे? इतनी आपके अंदर जरूरत है तो आए प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबान रमजान में तो सी ली है कि हम आपके वाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते, चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे वाले से बोल रहे हैं? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो, अब देख तू, अब सीधा बेटा कमिश्नर को कॉल लगाता हूँ मैं। तुझे पता है मैं छोटे मोटे बंदों से बात नहीं करता। अब देख तू, मैंने देखे 24 घंटे भी नहीं गुजरने दिए, बल्कि मैंने 24 मिनट भी नहीं गुजरने दिए। जैसे ही मुझे पता चला इस वीडियो का, मुझे पता चला 15 घंटे के बाद, जुमे की नमाज के बाद, तो मैं ये वीडियो तो मैंने बाद में बना रहा हूँ। मैंने पहले शुएब मदनी साहब जो डायरेक्टर हैं इनके जीटीवी के, उन्हें मैंने फोन करके मैंने अपनी पर शो की है और मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल हम भी तैयार हैं आपको ऑनलाइन लेने के लिए या अपनी टीम यहाँ पर रवाना करते हैं। मैंने कहा जिस जो मॉड आपको बेहतर लगे मैं तैयार हूँ, इंशाल्लाह नबूवत का मुकदमा लड़ने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरा क्या बनेगा कालिया? तो अब देरी जो कुछ भी होगी इस एंकर की तरफ से होगी, और इसने कहा कि जरूरत है मैं तेरे मुंह पे तमाचा मार रहा हूँ। जी मैंने वो तमाचा आपका पकड़ लिया अल्लाह के मदद से, इससे अगली बात मैं करना नहीं चाहता, अखलाक से गिरी हुई बात। और मैं इंशाल्लाह खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि इनके सारे बुजुर्ग, चाहे वो अशरफ थानवी साहब हो जिनकी डेथ 1945 में हुई, जो बंद के बुजुर्ग और बरेलियों के पीर मेरठिया साहब 1937 में फौत हुए, और 1921 में आला हजरत अहमद बरेलवी साहब फौत हुए, वो भी बरेलियों के बड़े बुजुर्ग, इस सब के सब लोग इन सारी चीजों का दिफा करके गए हैं। और ये तो एक इबारत है, इसके अलावा वो इबारतें हैं जिनका दिफा खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने किया हुआ अपनी वीडियो में, इसी एंकर के साथ बैठ के। Ramadan Mubarak. Hey, y'all, come look at this. मेरे आका, मेरे मुर्शिद हुजूर सैयदी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपका जनाजा जा रहा है। जनाजा जाते हुए लोग शेर पढ़ रहे हैं। आगे चलते हुए सीमा के साथ जनाजा जा रहा था, मौलाना अहमद जाम का शेर पढ़ा जा रहा था। शेर ये था, इंसान ये तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरी ज़ियारत के लिए आती है। तेरा रूए मुनव्वर इतना हसीन और जमील है, खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरे दीदार के लिए आती है। अरे तू किसके दीदार के लिए जा रहा है? बस ये शेर पढ़ना था। महबूब साहब जनाजे में उठकर बैठ गए, नमी रफ्तम नमी रफ्तम, मैं नहीं जाता मैं नहीं जाता। फिर उसके बाद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ी दहलवी ने हाथ जोड़े, हुजूर ये शरीयत का लोग मजाक न उड़ाए, फिर चादर ओढ़ करके प्यार करने वाले हो, खुशबुआं लाण वाले हो, नमाजां तुहाडे प्यो ने पढ़नियां ने। और हम माशाल्लाह इतने गैरतमंद हैं। अबे जोक के तौर पे कह रहा हूँ, फिर ठीक है। भी आज का 2024 का गद्दी नशीन गा रहा है ना, गद्दी नशीन मुरीदों को खलीफों को बैठक में बिठा देते हैं और आगे क्या करते हैं, ए जी पीर भाइयों इत्थे बवो, पीर साहब अंदर जाना। मैं अंदर किधर जाना? ए माइयां नू मिलन। मैं तेरा पीर खुसरा? मैंने कहा खुसरे से भी शरीयत का पर्दा है। इसलिए मैं ये बिल्कुल वाज़े लफ्जों में कह देता हूँ, जो शख्स अपने पीर से अपनी औरतों को पर्दा नहीं करवाता वो पीर भी बेगैरत है, वो मुरीद भी बेगैरत। रुको जरा, सबर करो, आ जा समझाते हैं तुझे। आपका बुजुर्ग चले जनाब वहां से बुखारे से और चिबारे में जाके मुरीदनी को, अब मैं वो नहीं जुमला बोलता, इस तरह के खिलाफ शरा काम करे, मुरीदनियां कैच करे। हाँ, इनके मौलवियों ने खुद सुनाया हुआ। अब ये भी नहीं कह सकते कि वो तो आम वाइज है, पाकिस्तान लेवल के तारे जमील साहब के इक्विवेलेंट इन्होंने एक बंदा अपना लॉन्च किया हुआ है, साकिब रजा मुस्तफाई साहब, उन्होंने कई बार सुनाया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है? उसमें अल्फाज है कि वो मुरीदनी से कहने लगे कि तू मीनारे से तुझे धक्का दिया, मैं चल पड़ा बुखारा से। हाँ, और कहते कि उसको पकड़ कर आराम से नीचे उतार दे। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शमंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतजदा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम, तू चबारे से चल पड़ी थी मैं बुखारे से चल पड़ा। लेकिन एक सेकंड, अपनी औरतों को पर्दा नहीं करवाता वो पीर भी बेगैरत है, वो मुरीद भी बेगैरत। जी फिरौन ने एक महल बनाया खुदाई का दावा करने से पहले। ये तो लेटेस्ट न्यूज है।
तो उसने अपने बाहरी दरवाजा यानी मेन एंट्रेंस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर लगा दिया। काली जुती भी नहीं पहननी चाहिए। फरमाया जेड़ा बंदा काली जुती पांदा ओदे ते मुसीबतां इंज आंदियां जिवें बारिश उतरती। दुनिया का कोई अल्लाह का वली ऐसा नहीं है जी जो काला जूता पहनता होगा। दिमाग खराब है कि तेरा। आप काले जूते पहनना छोड़ दें और तारीख लिख लें, एक हफ्ते के अंदर आपके घर के मसाइल के अंदर नरमी आ जाए, आपके हालात बेहतर हो जाए। यानी ये हदीस है, ये हजरत सरकार मियां शेर रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिनको सुनाई है हमने उनसे सुनी है, दो तीन वास्ते फरमाया जो बंदा काला जूता पहनता है उस पर यूं मुसीबतें आती हैं जैसे आसमान से बारिश उतरती। अब लोगों को चूंकि दीन का इल्म नहीं है, लोगों में तो बड़ा बड़ा कुछ मशहूर है इधर जूतियों के वाले से। वो एक इलियास कादरी साहब भी बयान कर रहे हैं कि जी मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि काली जूती जो है ये मुसीबत लेके आती है। पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल झूठ है ये, कोई ऐसा कॉल नहीं है उनकी तरफ। और दूसरा ये कि काली जूती तो आप कोई भी लें उसका तलवा तो काला ही होता है अमूमन, ठीक है जी। तो वो फिर पीली चप्पल उन्होंने वो बनाई हुई है, वो आप देखें पीली चप्पलें भी उन्होंने पहनी हुई हैं। तो बस ये इसी किस्म की यानी मन घड़त चीज़ें हैं।